हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। अब तक हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स एडवांस कैलकुलस के, जिसमें हम 3.1 को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से पढ़ेंगे। आज हम करेंगे 5.1 फिफ्थ चैप्टर, विच इज़ योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी 5.1 एक्सरसाइज नहीं, उसकी कंसेप्ट और एग्जाम्पल्स। इसकी 12 एग्जाम्पल्स हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं हो पाती है कि एक ही क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में सॉल्व करके दिखा पाऊँ। इसलिए मुझे वो आपको रीड करवाने पड़ते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसे है, इस क्वेश्चन में ऐसे है। मुझे पर तसल्ली नहीं होती है जब तक मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ना दिखाऊँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो ऐसे बना रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी और समझ भी आएगी, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेड की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/x² प्लस 5² का रूट। क्या निकालना है? कर ली जेड बाई कर ली एक्स, और क्या निकालना है? कर ली जेड बाई कर ली वाई। देखो, एक एक स्टेप समझेंगे हम इस क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? जेड इज इक्वल्स टू x² प्लस y² का अंडर रूट। आपको पता ही होगा कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है ना। और अगर हम किसी पावर को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? माइनस। और ऊपर अगर माइनस किया तो नीचे की क्या बन जाती है? प्लस की। तो ये क्या बन जाएगी हमारी? x² प्लस y² की पावर -1/2, क्योंकि ऊपर लेके जा रहे हैं ना हम। क्या बन जाएगी? -1/2। ठीक है, बना दी हमने -1/2। अब देखो, डिफ्रेंशिएशन कैसे करते थे आप 12th में? डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है किसी भी x की पावर n है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। देखो, अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूँ, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? पावर आगे आ जाती है, और जो पावर होती है उसमें से 1 क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और साथ में अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन तो होगा ही होगा। जैसे कि अगर मेरे पास x³ है तो इसकी पावर क्या है? 3 तो आगे आ जाएगी, और x है, और 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो देखो, अब इसमें देखते हैं हम, -1/2 चलेगी पावर। अब -1/2 तो क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। और x² प्लस y² में से क्या माइनस हो जाएगा? x² प्लस y² तो था ही, पर क्या था? -1/2। मैंने क्या कहा कि पावर में से क्या होता है? 1 माइनस। तो क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -1/2 x² प्लस y² की पावर -3/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? -3/2। अब हमारा काम क्या ख़त्म हो गया? हमने तो सिर्फ पावर पावर का काम किया। इसका डिफरेंशिएशन कौन करेगा? इसका भी तो करना है भाई। और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इस टर्म का तो 0 हो जाएगा। x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x क्या हो जाएगा? 2x। तो मेरे पास क्या आ गया? अब देखो, ये ऊपर पावर माइनस में है तो नीचे की क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, -1/2 x² प्लस y² की पावर क्या बन जाएगी? नीचे आगे पॉजिटिव, यानी कि 3/2। और साथ में क्या चल रहा है? 2x चल रहा है ऊपर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? माइनस का x / x² प्लस y² की पावर 3/2। ये आपने क्या निकाला? कर ली जेड बाई कर ली एक्स निकाला। अब हम क्या निकालेंगे? कर ली जेड बाई कर ली वाई। ठीक है, निकाल लेते हैं। कर ली जेड बाई कर ली वाई में भी सेम स्टेप फॉलो होगा। ये ऐसे है, ये पावर 1/2 बन जाएगी, ऊपर जाके -1/2 बन जाएगी, और फिर वो -1/2 आगे आ जाएगा, और x² प्लस y² की पावर क्या बन जाएगी? -3/2 बन जाएगी। ठीक है भाई, इसका काम तो हमने कर दिया पावर का। अब फिर से, अब z का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? y के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका तो 0 हो जाएगा, और y² का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? 2y। तो 2y लिख दिया आपने, तो क्या बन गया? माइनस का 2y/2, और x² प्लस y² की पावर नीचे की प्लस की बन जाएगी, यानी कि 3/2। तो 2 से 2 हम कट कर देंगे, तो क्या बनना अपना? -1/x² प्लस y² की पावर 3/2, विच इज योर करली z/y। तो देखो, आपका आंसर मैच कर लो। अब देखो, बुक में आपको सिर्फ 2 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म करके दिखा दिया। मैंने आपको एक एक स्टेप समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, कर ली जेड बाई कर ली एक्स का आंसर क्या है? -x/x² प्लस y² की पावर 3/2, और कर ली जेड बाई कर ली वाई का -y/x² प्लस y² की पावर 3/2। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास जेड क्या दिया हुआ है, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वाई। आपको क्या निकालना है, कर्ली जेड अपॉन कर्ली एक्स, और क्या निकालना है, कर्ली जेड अपॉन कर्ली वाई। और क्या वेरीफाई करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। देखो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जेड क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वाई। आपको पता है टेंजेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, x का काम कर रहा है x अपॉन y, तो 1 प्लस x अपॉन y का होल स्क्वायर। अब ये तो टेंजेंट इनवर्स का काम हो गया, अब z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए x बाय y का। वो कैसे करेंगे, देखो भाई कैसे करेंगे। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, x के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, x बाय y का करना है। ठीक है भाई, x बाय y का करना है, कौन सा मेथड लगाओगे, u अपॉन v। देखो y का स्क्वायर, v as it is मतलब x, y as it is, v का काम ये तो कर रहा है, और इसका x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 मतलब कि 1 माइनस u as it is, v as it is डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u as it is डेरिवेटिव ऑफ v। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो क्या बचा, y अपॉन y स्क्वायर, y से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन y। तो x बाय y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारा क्या आता है, 1 अपॉन y ही, याद भी रखना, करके भी देख सकते हो आप ऐसे। ठीक है, तो x अपॉन y का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 अपॉन y, तो हमने वो लिख दिया 1 अपॉन y। अब देखो इसका जब आप एलसीएम लोगे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। क्या है आपके पास, 1 अपॉन 1 प्लस x बाय y का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या है, 1 अपॉन वाई, ऐसे ही है ना। तो देखो 1 अपॉन क्या करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इंटू में क्या है, 1 अपॉन वाई। फिर क्या करोगे, वाई स्क्वायर का एलसीएम ले लूँ, वाई स्क्वायर को क्या ले लूँ, एलसीएम, तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या है, 1 अपॉन वाई। इस वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाऊँ तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में 1 अपॉन वाई। एक वाई से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे आया ये वाई स्क्वायर, वाई अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ। अब देखो ये तो क्या निकाल दिया, कर ले जेड बाय कर लिया, अब क्या निकालोगे, कर ले जेड बाय कर ले वाई। कैसे निकालोगे, टेंजेंट इनवर्स इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना, चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में करो चाहे वाई के रिस्पेक्ट में करो, तो यूनिवर्सल है, तो फॉर्मूला यही है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स बाई वाई, तो 1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव एक्स बाई वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो 1 अपॉन वाई आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और देख सकते हैं कि कैसे आता है। देखो एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में एक्स बाय वाई का डेरिवेटिव देख दो कैसे आता है। ये देखो y का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर, v as it is डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 माइनस u as it is, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1। तो क्या बचा, ये तो 0 हो गया, माइनस x अपॉन y स्क्वायर। तो x बाय y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आता है, x अपॉन y माइनस x अपॉन y स्क्वायर, क्या आता है, माइनस x अपॉन y स्क्वायर आ गया। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स तो है यहाँ पे, तो देखो वाई था ना, यहाँ पे वन था तो ऊपर वन आ रहा था, यहाँ पे वाई आ रहा था, यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो क्या आएगा, एक्स माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका एलसीएम लोगे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और ऊपर नीचे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स और नीचे क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये देखो आपको क्या कहा है, कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई। इसका मतलब क्या है, कर्ली स्क्वायर जेड मतलब कि कर्ल कितनी बार है, दो बार। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कर्ली वाई कर्ली एक्स तो मैंने बाहर लिख दिया, और अंदर मैंने लिख दिया कर्ली जेड बाय कर्ली वाई। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो यही तो बनेगा, कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई, है ना। कर्ल दो बार था तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया, एक बार इसको ऐसे कर लिया और इसको ऐसे कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने कर ली जेड बाय कर ली वाई निकालना है ना, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
x, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और नेक्स्ट ये इसके इक्वल प्रूफ होना चाहिए, ये होना चाहिए कर्ली सेट इस चीज के इक्वल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कर्ल बाय कर्ल y ऑफ कर्ल z बाय कर्ली x, कि जो आपने z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है ना पार्शियल, उसका डेरिवेटिव जब आप y के साथ करोगे ना पार्शियल, तो ये दोनों टर्म आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल, दोनों आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल। आगे इसका मतलब समझ, तो सिर्फ डेरिवेटिव किया हुआ, देखो ये इसका मतलब क्या है कि जो कर्ली z बाय कर्ली x निकाल रहा है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये ओपन v वाला फॉर्मूला लगा दोगे और x का डेरिवेटिव जहाँ विद रिस्पेक्ट टू y होगा उसको जीरो कर देना, बाकी जो सेम आप प्रोसीजर फॉलो करते हो वही फॉलो करना है। तो देखो ये दोनों चीज़ें क्या आ रही है, सेम आ रही है ना, तो हैंस दिस विल बी इक्वल। ओके देखो अब तक हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चन चाहे तो दो मिनट में भी हो सकते हैं कि कर्ली सेट बाय कर्ली एक्स निकाल लो फिर उसका डेरिवेटिव कर दो, ये कर दो वो कर दो, पर मैं चाह रही हूँ कि आपको एक क्वेश्चन का समझ में आए, तो प्लीज़ ध्यान से समझना क्वेश्चन को। मैं आपको एग्जाम्पल्स की भी PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और जो मैं ये नोट कर रही हूँ ना साथ साथ कॉपी आपको समझा रही हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको इसकी PDF भी दे दूँगी, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो एक एक स्टेप को ध्यान से समझना प्लीज़। देखो थर्ड क्वेश्चन, यू ये गिवन है, प्रूव करना है कि कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि कर्ली यू बाय कर्ली एक्स निकालोगे उसका दोबारा से डबल डेरिवेटिव कर दो, तो क्या बन गया, कर्ली यू स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, फिर कर्ली यू बाय कर्ली वाई निकालो तो उसका डबल डेरिवेटिव कर दो, उन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए, जीरो की इक्वल आना चाहिए। और ये चीज़ मैंने अभी आपको ऊपर समझाई है कि कर्ली यू बाय कर्ली वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और कर्ली यू बाय कर्ली एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई दोनों आपको सेम आनी चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये यू है, ये देखो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो लॉग का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर रहा है, तो क्या होगा, वन अपॉन वन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और रिस्पेक्ट में किसके कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स कौन है, एक्स इसमें ही है ना, इसमें तो नहीं है, इसको तो भूल जाओ, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, है ना, तो क्या आ गया, टू एक्स पॉन वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू एक्स की जगह क्या आएगा, टू वाई आएगा, ये आ गया। मैंने क्या कहा था, इसका क्या करना है, दोबारा से डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो क्या करोगे, यू वन यू लगा दोगे, लगा दो कि वी स्क्वायर वी एस टी इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एस यू एस टी इज डेरिवेटिव ऑफ वी, सॉल्व कर दोगे, इसमें भी वही अप्लाई कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करके जीरो आ रहा है, जी आ रहा है, हाँ जी, दोनों को ऐड करके जीरो आ रहा है, देन क्या करना है, ये चीज़ निकालनी, ये चीज़ कैसे निकाल लोगे, कर ली वन अपॉन कर ली एक्स था, कहाँ गया, ये रहा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, यू अपॉन वी वाला लगाना है, बस याद रखना है कि वाई के साथ करो डेरिवेटिव, तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई जहाँ भी होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जैसे जीरो किया हुआ है आंसर आ जाएगा, कर ली वाई निकाला हुआ है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे वो भी क्या आएगा, सेम आएगा, तो दोनों आंसर आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। ओके समझ आ गया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में भी सेम यू दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है और शो करना है कि इक्वल है, बहुत इजी है, यू दिया हुआ है, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स निकालना आता है, कर्ली यू बाय कर्ली वाई निकालना आता है आपको, फिर क्या करोगे, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स का कर्ली वाई के साथ कर दोगे और कर दोगे, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स का कर्ली वाई के साथ कर दोगे, कर दिया, फिर कर्ली यू बाय कर्ली वाई के साथ करोगे, कर्ली वाई कर्ली एक्स के साथ करोगे, बहुत हार सेम। ओके प्रूव करने के लिए कहा तो सेम ही आएंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, यू किसके इक्वल गिवन है, इसके इक्वल गिवन है, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, करें इस क्वेश्चन को। देखो इसके लिए आपके पास क्या, आपको आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स होना चाहिए और कर्ली यू बाय कर्ली वाई होना चाहिए, तभी तो आप उसका डबल डेरिवेटिव कर पाओगे ना। कैसे, अब ये निकालने के लिए कर्ली वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो जब करोगे ना, जब आपके पास कर्ली वाई होगा तो हम क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को निकाल लेते हैं। यू ये है आपके पास, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स कैसे निकालोगे, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, पावर आ गई एक पावर कम, और ए की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की एक्स इंटू लॉग ए, यहाँ वाई की एक्स का क्या हो जाएगा, वाई की एक्स इंटू लॉग वाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालोगे
निकाल दिया, फिर क्या करोगे इसके लिए, यू एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दोगे, यू यू इन टू वी वाले मेथड से किया हुआ है, और फिर क्या करोगे वाई वाली टर्म का एक्स के रिस्पेक्ट में कर दोगे। ओके, तो दोनों टर्म आपकी सेम आएंगे। देखो कुछ भी नहीं किया होगा, सिर्फ सॉल्व किया होगा। स्टार्टिंग के एग्जाम्पल्स तो बहुत ईजी है, आगे या लेंथी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी अच्छे से एक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड आपको यही चीज़ प्रूव करनी है। देखो ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं, खुद ही करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, मतलब साथ साथ करते हैं, ठीक है इसके। कौन सा क्वेश्चन है, सिक्स्थ। क्या गिवन है, एक्स गिवन है आपको आर कोस थीटा, और वाई क्या गिवन है, वाई गिवन है आर साइन थीटा। क्या चीज़ प्रूव करनी है, कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर डॉट कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ली स्क्वायर आर अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई का होल स्क्वायर। तो देखो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, कर्ली आर अपॉन कर्ली एक्स चाहिए, कर्ली आर अपॉन कर्ली वाई चाहिए, उन दोनों का डबल डेरिवेटिव चाहिए, है ना। और क्या चाहिए, कर्ली आर बाय कर्ली वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, ये टर्म चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, देखो ये वाले टर्म गिवन है, एक्स इज इक्वल टू दिस वाई इज इक्वल टू दिस, तो अगर मैं इनका स्क्वायर करके ऐड कर दूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा जब हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है ना, तो हमारे साइन थीटा कोस थीटा हमारे रिमूव हो जाएंगे। तो मैं इनको ऐड कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जल्दी जल्दी में राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, समझने की ट्राई करना, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन लूँगे, क्या बन जाएगा वन। तो मेरा क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आर ये आ गया, तो मतलब कि आर क्या आ गया, आर आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या, कर लिया आर अपॉन कर लिया एक्स, हमारे पास अब तक तो आर ही नहीं था, आर निकलेगा जब तो ये निकलेगा, तो कर लिया आर अपॉन कर लिया एक्स कैसे निकलेगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना आपने। देखो इसकी पावर क्या है, वन अपॉन टू, उसमें इसकी पावर क्या है, वन अपॉन टू, उसमें माइनस थी, तो वन अपॉन टू आगे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर वन अपॉइंट टू माइनस वन करोगे तो क्या आएगी, माइनस का वन अपॉइंट टू आएगी, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, है ना। तो वन अपॉइंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर ये माइनस वन अपॉइंट टू है ना, मतलब कि नीचे अंडर रूट, और टू एक्स एज इट इज, टू से टू कट कर दूँ, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट लिख दूँ। अब बताना मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट किसके इक्वल है, आर के इक्वल, तो मैं लिख दूँ इसको एक्स अपॉन आर, लिख सकती हूँ ना। तो कर्ली आर बाय कर्ली एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स अपॉन आर के। अगर आपको याद हो तो सेकंड साम में वेक्टर कैलकुलस में आपके पास चैप्टर में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में भी और एक चैप्टर में और आपके पास ये टर्म यूज होती थी बार बार कि कर्ली आर अपॉन कर्ली एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, कर्ली आर अपॉन कर्ली वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, कर्ली आर अपॉन कर्ली जेड इज इक्वल्स टू जेड अपॉन आर। में चैप्टर का नेम नहीं याद आ रहा, बट ये होती हुई टर्म यूज, ठीक है निकल गया। अब क्या निकालोगे, कर्ली आर अपॉन कर्ली वाई, ठीक है कर्ली आर अपॉन कर्ली वाई निकाल देते हैं हम। कर्ली आर अपॉन कर्ली वाई भी कैसे निकलेगा, वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई, तो वन अपॉन टू रूट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर टू वाई, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो वाई अपॉन इसका नाम फिर से क्या बन रख देंगे, आर। तो कर लिया आर बाई कर ली वाई क्या आ गया, वाई अपॉन आर आ गया। अब क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकाल देंगे इसका, एक्स अपॉन, देखो सिंगल सिंगल डेरिवेटिव आ गए जी, आ गए डबल निकाल दें जो निकाल देते हैं, कर ली स्क्वायर आर अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या था आपके पास, कर लिया आर बाय कर लिया एक्स अपॉन आर था ना, एक्स अपॉन आर कैसे करोगे, यू अपॉन वी से करोगे, कर दें यू अपॉन वी से। देखो जी एक्स अपॉन आर है, आर का स्क्वायर आर एज इट इज, एक्स का
एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वन होगा, वन माइनस बी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज, यू मतलब कि आर एज इट इज, और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, करली आर अपॉन करली एक्स होगा, ठीक है। तो आर माइनस एक्स, अब करली आर अपॉन करली एक्स किसके इक्वल था, एक्स अपॉन आर के इक्वल था, तो मैंने एक्स अपॉन आर लिख दिया। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। आर माइनस क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा, आर अपॉन में क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। क्या करें, आर को मन आर को एलसीएम ले लें, यहाँ से क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या है, आर स्क्वायर है ना। उसके बाद देखो जी क्या बनेगा आपका, आर आर कर रहे हैं ना हम, ये आपने क्या किया था यहाँ पे, आर एलसीएम ले लिया, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब बन जाएगा ये। अब देखो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये आया था आपके पास, ये था, ये रहा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आया था क्या आया था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर आया था। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, वाई स्क्वायर के। तो मैं इसको वाई स्क्वायर पुट कर सकती हूँ, क्या पुट कर सकती हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, क्या पुट कर सकती हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो मेरा करली स्क्वायर आर अपॉन करली एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब के, ठीक है। ऐसे ही क्या निकालेंगे, करली आर बाय करली वाई का स्क्वायर निकाल लो क्या, बिल्कुल सेम डेटा प्रोसेस फोन होंगे, उसमें क्या बन जाएगा, उसमें ऊपर बन जाएगा आपका, यहाँ पे तो बना आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी वाई आएगा, यहाँ वाई, यहाँ वाई, यहाँ वाई, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो करली स्क्वायर आर अपॉन करली वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर के इक्वल, और सॉरी एक्स स्क्वायर के इक्वल अपॉन में आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को निकाल दी, लेफ्ट हैंड साइड ये थी ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो निकाल दी। अब क्या निकालोगे, राइट हैंड साइड निकालोगे, राइट हैंड साइड कैसे निकालोगे, करली आर बाय करली वाई के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दोगे, ठीक है। तो करली आर बाय करली वाई क्या आया था, वाई बाय आर आया था, आया था ना वाई बाय आर, वाई बाय आर का डेरिवेटिव क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आपको। तो कैसे करोगे, करली बाय करली एक्स ऑफ वाई बाय आर, आर स्क्वायर आर एज इट इज, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस वाई एज इट इज, और आर का क्या हो जाएगा, करली आर बाय करली एक्स। तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर करली आर बाय करली एक्स। और ऐसे ही जब आप क्या करोगे, नहीं इतना ही करना था, कुछ नहीं करना। और अब इसका क्या मंगा उन्होंने, करली आर बाय करली वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स का स्क्वायर, इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। और देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वल आना चाहिए। तो हम लास्ट स्टेप पे आ गए, मुझे वो भी कर ही लेते हैं। देखो आपके पास करली स्क्वायर आर अपॉन करली एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आई थी वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करूँगी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर सिक्स। ये क्या है आपके लेफ्ट हैंड साइड है ना। अब हम बात करें राइट हैंड साइड की, तो हमारा क्या आया है, माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर करली आर बाय करली एक्स का होल स्क्वायर। तो माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर करली आर बाय करली एक्स क्या आया था, एक्स बाय आर आया था, आया था उसका होल स्क्वायर। तो माइनस वाई एक्स अपॉन ये क्या बन जाएगा, आर क्यूब उसका होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, इसका माइनस का प्लस बन जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और आर की पावर सिक्स। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं ना सेम, दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड विच इज प्रूव्ड। सो अब तक हम कर चुके हैं सिक्स तक क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन हैं आपके 12। मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी, बट वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट्स की बन चुकी है, मुझे टाइम लगे क्वेश्चन समझाने में, बट कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए चाहे टाइम कितना भी लग जाए। तो इस वीडियो में हम 1-6 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 6-12 तक क्वेश्चन कवर करेंगे।
आई होप आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। मैं वीडियो इसलिए भी शूट नहीं कर पाती इस तरह से क्योंकि ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है मेरे पास अभी, तो एक हाथ से मुझे फ़ोन पकड़ना पड़ता है और एक हाथ से रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और अभी मैं वीडियो इस टाइम रात को 12 o'clock होने वाली है, रात के मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि सारा दिन घर में डिस्टर्बेंस रहती है थोड़ी, तो आवाज़ की प्रॉब्लम रहती है और बैकग्राउंड में आवाज़ नहीं चाहिए होती है, तो फ़ैन ऑफ़ करके मैं इस टाइम यहाँ पर वीडियो शूट करती हूँ। एसी में नहीं बैठ के कर सकते क्योंकि फिर लाइट की दिक्कत होती है तो सब उठ जाते हैं। लाइटिंग भी, लाइट तो चाहिए आपको वीडियो के लिए पर साउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एफर्ट्स करने के लिए तैयार हूँ, बस आप सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए और समझते रहिए। और जो भी नहीं आता प्लीज़ पूछा करें, जब आप कोई डाउट पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आपने कुछ समझा है और पूछा है, ठीक है। सो आई होप आपकी ये वीडियो समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे 1 to 6, और फिर भी कुछ ना सी समझ में आए तो ज़रूर पूछ लेना। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको मेरी चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।